नमस्कार दोस्तों, मैं रियल्टर एकता रंजन, फाउंडर एकता रियलिटी सॉल्यूशंस एवं एसोसिएशन ऑफ भोपाल रियल्टर्स की सचिव, आज जन्माष्टमी के उस शुभ अवसर पर कृष्ण भगवान जो कि मैनेजमेंट गुरु के रूप में भी आज जाने जाते हैं, कि कुछ खास मैनेजमेंट शिक्षाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि आप पसंद करेंगे। भगवान श्री कृष्ण प्रेम, साहस, पराक्रम एवं कुशलता के प्रतीक माने जाते हैं, और ये सभी वो गुण हैं जो हमें भी जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करती हैं। कुछ खास मैनेजमेंट की शिक्षाएं जो हमें श्री कृष्ण भगवान के जीवन से सीखने को मिलती हैं और जो एक कुशल नेतृत्व के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनमें हैं, नंबर वन, अपनी टीम के साथ सदैव खड़े रहना। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर पूरे गांव के साथ वो मुसीबत के समय खड़े रहे और सबको उसका क्रेडिट भी दिया, वो गुण है जो हमें आज सीखना चाहिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अपनी टीम के साथ हम सदैव हर परिस्थिति में खड़े रहें और अपनी सफलता का क्रेडिट भी उन्हें दें, ये एक सफल नेतृत्व की पहचान है। नंबर टू, कोर वैल्यूज़ को कभी जीवन में नहीं छोड़ना। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सदैव कोर वैल्यूज़ की शिक्षा दी और जिस पर चलकर ही पांडवों ने कौरवों से विजय प्राप्त की, ये आज के जीवन में भी हमारी प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मूलभूत मूल्यों के साथ कभी कोई समझौता न करें। ये एक प्री कंडीशन है लंबे समय की सफलता के लिए। नंबर थ्री, अपने लक्ष्य पर डटे रहना और कर्म करते जाना, फल की तरफ ज़्यादा मोहित ना हो। गीता का पूरा सार ही हमें कर्म प्रधान बनाता है और ये हमारे कर्म ही हैं जो हमें जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करती हैं, जिसका कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। नंबर फोर, कृष्ण भगवान एक कुशल रणनीतिज्ञ थे और ये वो कुशल रणनीति ही थी जिसकी बदौलत 5 पांडव 100 कौरवों पर भारी पड़े। हमें अपने किसी भी लक्ष्य उद्देश्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम परिस्थितियों का सही आकलन करें और उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति बनाएं और उस रणनीति पर हम चलें, तो रणनीति भी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी शिक्षा है जो हमें कृष्ण भगवान से सीखने को मिलती है। इन चार मूलभूत शिक्षाओं के अलावा सदैव साहस का परिचय देना और अपने मित्रों के साथ सदैव खड़े रहना, ये भी हमें कृष्ण भगवान से सीखने को मिलता है। इतना ही, सुनने के लिए धन्यवाद। और आज जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।